Hello my dear friends, I am Ravikant. आज मैं आपको बताने वाला हूँ Principles and Practices of Banking Module A, Unit A, ठीक है? Unit First, Indian Financial System के बारे में, ठीक है? पहले बता दो my dear friends कि ये मैंने एक series शुरू किया है, ठीक है? इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है पूरा का पूरा syllabus cover किया जाए, ठीक है? आपको सारी चीज़ बताया जाए, A to Z, ठीक है? ताकि जो है आप अच्छे समझ पाए और अच्छे से क्वेश्चन कर पाए एग्जाम में, ठीक है? लेट्स शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? लेट्स सी। तो पहला है कि फाइनेंस सिस्टम मींस, मतलब क्या होता है ये, क्या है? मोबिलाइज कैपिटल फ्रॉम सरप्लस सेक्टर एंड एलोकेट द सेम टू द नीडी सेक्टर्स, ठीक है? क्या करता है आपको जो है, क्या करता है, जहां पे सरप्लस है वहां से पैसे लेकर जिसे जरूरत है उसको लेंड करता, मतलब दे देता है, ठीक है? और जो ऐसे कर सकते हो कि आप जो सेविंग है ट्रांसफॉर्म इनटू इन्वेस्टमेंट बाय इंटरमीडिएट्स, मतलब बैंक इंटरमीडिएट हो गई, बीच के काम किया, एक डिपॉजिट लिया, ठीक है, और लेंड कर दिया, ठीक है? अगर आप बात करें फाइनेंशियल मार्केट की, ठीक है, इसमें आता है माय डियर फ्रेंड्स आपका मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, डेप्ट मार्केट, कैपिटल मार्केट, ठीक है? अगर हम बात करें मनी मार्केट का तो इसमें बेसिकली ये है कॉल मनी, कॉल नोटिस मनी, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स, टर्म मनी, कॉल डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ठीक है, रेपो रेट, कमर्शियल बिल्स, ठीक है? और मैंने लगभग ये सारी चीज के बारे में भी डिटेल्स वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं उसे भी। अब बात करते हैं थोड़ा सा डेप्ट मार्केट बारे में, तो इसमें, ठीक है, वन साइड क्या होती है, बेसिकली गवर्नमेंट्स की होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट जो करता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से करेगा फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? और बात करें बॉन्ड्स की तो FI bonds, PSU bonds, corporate bonds, ठीक है? FI bonds in the sense, financial institutions bonds, ठीक है? PSU आपको जानते हैं, जैसे PSU में सारे banks आ गए और जो भी भेल, ठीक है, जो भी आपके जो government की है, ठीक है? Public sector unit या undertaking, ठीक है? और corporate bonds तो आप बताएं, जैसे कि Reliance, बड़े बड़े जिस टाटा, ठीक है, ये भी इसी करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ये सारा आपको डिफाइन हो गया कौन सा मनी मार्केट अंदर आएगा और कौन सा डेप्ट मार्केट के अंदर आएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको यही फंसाया जाएगा, ठीक है, कि डेप्ट मार्केट का पार्ट कौन सा है और मनी मार्केट का पार्ट कौन सा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में फाइनेंस के बारे में। पहले कहते हैं कि सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी जो इंडियन कौन है, RBI, ठीक है? अब करते क्या क्या RBI, पहला काम इसका है मनी कंट्रोल, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट, तीसरा है सुपरविजन ओवर, ठीक है, इस सारा सुपरविजन करते हैं कमर्शियल बैंक पे, NBFC पे, प्राइमरी डीलर्स जो आपको जानते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज का जो चेंज करते हैं डीलर्स वो भी हैं, और बहुत सारे डीलर्स हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लगे हुए हैं, ठीक है, कॉरपोरेटिव बैंक्स, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करती है RBI, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट टू बैंक्स, मतलब कि सबसे अगर बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा कहीं नहीं मिलता है लास्ट में आके RBI से लेती है, ठीक है, रिलेटिंग मनी मार्केट थ्रू मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट CRR, कैश रिजर्व रेशियो SLR, स्टेट लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, MSF, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है? अब मैं सबसे बता दूं यहाँ पे रिलेटिंग मतलब पता है आपको कि किस तरह से, जैसे अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है तो उसे कम करने के लिए या फिर कम है तो उसे बढ़ाने के लिए RBI कंट्रोल करती है, रिलेट करती है थ्रू ये सारे आपके इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, और शेयर बढ़ा दिया कभी घटा दिया, ठीक है? अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी की, ठीक है? इसमें आपको पता है कैसा कौन कंट्रोल करता है, सेबी, इसका काम क्या क्या है, इक्विटी मार्केट एंड डेप्ट मार्केट सुपरविजन एंड कंट्रोल, ठीक है? आपको आपको बहुत ही फेमस केस याद होगा सहारा का, जिसमें सेबी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और
कॉमन इन्वेस्टर का कॉमन इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करती है। ठीक है, सुपरविजन ओवर एसआरएच करते हैं स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर सिक्योरिटी एंड डेप्ट रेजर्स इन्वेस्टमेंट बैंकर्स मर्चेंट बैंकर्स एफआईआई ठीक है कस्टोडियंस डिपोजिटर्स म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड कंपनीज सर्विस प्रोवाइड टू कैपिटल मार्केट लाइक रजिस्टर्स। ठीक है, ये आपको सारे लाभ पता ही है, जिससे ये आपका एफआईआई का आपको बता दूं आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि विदेशी से विदेशी जो लोग पैसे इन्वेस्ट कर जाते हैं ठीक है तो एफआईआई के थ्रू ही आते हैं जनरली। ठीक है, अब बात करते हैं आईआरडीए ठीक है जो कि इंश्योरेंस बिजनेस को रिलेट करती है इंडिया में। ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर रनिंग इंश्योरेंस बिजनेसेस सुपरवाइजिंग इंश्योरेंस कंपनीज ठीक है जनरल हुआ फिर लाइफ हो इसके प्राइस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज ठीक है रेटिंग इंश्योरेंस ब्रोकर इंक्लूडिंग एजेंसीज पेंशन ठीक है फ्रेमिंग रूल्स फॉर पेंशन फंड रेटिंग और पेंशन फंड। ओके माय फ्रेंड्स, आपको सब पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ खास नहीं है। अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक के बारे में इंक्लूडिंग पीएसबी फॉरेन बैंक्स ओल्ड एंड न्यू प्राइवेट बैंक सेंट्रल बैंक ठीक है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट इन द एरिया फैक्ट्री। ठीक है, कमर्शियल बैंक का पर्पस क्या है मेनली पैसे लेती है डिपॉजिट कराती है लोगों से कॉमन पीपल से या जो सेविंग करना चाहते हैं और उसे फिर लेंड करती है और पीछे जो इंटरेस्ट होता है वो अर्न करती है। ठीक है, पर्पस और कुछ नहीं था बैंक का, मेन बैंक का यही है। ठीक है, अब बात करते हैं एनबीएफसी का। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है अलॉट टू रेज डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंड थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग लीजिंग हायर परचेजिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग। ठीक है, और इसको सुरक्षण करता है आरबीआई। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइमरी डीलर की। डील्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है इसका कि प्राइवेट के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए मार्केट प्रोवाइड करें। ठीक है, और स्ट्रेंथ करें गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को। इसका प्राइमरी डीलर का मेन पर्पस यही होता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड फॉर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, जो आपको पता ही है कि बहुत सारे लोन देती है जैसे आईएफसीआई हो गया। ठीक है, और बहुत सारे इंडिया में इंस्टीट्यूशन है जो इसलिए काम करती है जैसे नबार्ड। नबार्ड तो ज्यादा नहीं कर सकते लेकिन आरआरबी कर सकते हैं आप। ठीक है, और बहुत सारे स्टेट के हैं जैसे कि बीएसएफसी है बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ऐसे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं जो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को फाइनेंस करती है। ठीक है, जैसे आईसीआईसी भी इस पर्पस बनाया गया था, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। ठीक है, रेज रिसोर्सेज थ्रू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स फ्रॉम फाइनेंशियल सिस्टम एंड बोरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसका भी काम क्या है कि बाहर से जो है मनी को रेज किया जाए ताकि जो है और अपने कंट्री का जो है इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जाए और बेसिकली जो है लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू करके। ठीक है, या फिर जो आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स का। इसको जो है कि इसलिए इशू किया गया है ताकि जो है पहले जो आप जानते होंगे कि जो थे मनी लेंडर। ठीक है, मनी मतलब सूदखोर ही बोलते थे कुछ लोग आम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए ही मेनली कोऑपरेटिव बैंक्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है ताकि जो है जो गांव के गरीब लोग उससे लोन लेकर ना कोऑपरेटिव बैंक से लें ताकि जो है उनको ज्यादा उनपे उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके। ठीक है, और के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सके। मेनली ये एग्रीकल्चर और उसके मेनली छोटे मोटे काम के लिए दिया जाता है। एग्रीकल्चर हो गया या फिर गांव के छोटे मोटे उद्योग कॉटेज इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ क्लियरिंग हाउसेस एट वेरियस सेंटर्स। ठीक है, क्रिएशन ऑफ करेंसी चेस्ट इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज एंड क्रिएशन ऑफ द मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड। ठीक है, इसका यही पर्पस है। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेप्ट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पता है कि आरबीआई जो करती है
ठीक है, ये सारा डिप्ट मैनेज करती है, ठीक है, जैसे डिसाइड रिगार्डिंग प्राइसिंग वॉल्यूम टू रेज टू डिप्ट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स आपको ये बताने हैं, ठीक है, अपने कमेंट्स में बताइए मुझे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद योर आंसर, ओके।